क्या आप चिपचिपे पानी की समस्या से हो चुके हैं परेशान? किसी लड़की के संपर्क में आते ही निकल आता है चिपचिपा पानी, धातु रोग की समस्या है। नाइटफॉल यानी स्वप्न दोष भी बार बार होता है। काफी दवाइयां और नुस्खे भी इस्तेमाल करके देख लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है ताकि इस समस्या से आप पाएं जिंदगी भर के लिए छुटकारा। साथ ही साथ बात करेंगे कि इस समस्या में क्या खाएं और क्या न खाएं। तो आइए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ एंड वेल्थ। सबसे पहले बात करेंगे कि ये समस्या किन किन शक्लों में हमारे सामने आती है, जैसे कि नाइटफॉल यानी स्वप्न दोष होना, धातु रोग होना, किसी लड़की से बात करने या फिर कॉन्टैक्ट में आने पर चिपचिपा पानी निकलना, पेशाब के साथ चिपचिपा पानी आना और जलन होना। इससे एक दिक्कत और होती है कि कुछ खाया पिया भी नहीं लगता, जिससे शरीर भी काफी कमजोर हो चुका है। ऐसे में क्या करें? तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको वो सारी हरकतें छोड़ देनी है जो आप करते हैं, जैसे लड़कियों से बातें करना, मैस्टर्बेशन यानी हस्तमैथुन करना, लड़कियों के कॉन्टैक्ट में आना, बार बार यौन क्रिया करना, पॉर्न वीडियो देखना। तो अगर आप ये ही काम करते हैं तो इन कामों को पूरी तरह बंद कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी फिर से डेवलप होनी शुरू होगी और साथ ही साथ अपने दिल दिमाग को पूरी तरह साफ रखें। जो बातें मैंने बताई हैं और जो बातें बताऊंगा उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि ये एक शारीरिक बीमारी है। इसका उपाय भी है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी होगी, उससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी और ब्रेन फंक्शंस इम्प्रूव होने लगेंगे। क्रॉनिक डिजीज जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर और डायबिटीज से प्रोटेक्ट करेगी। आपको नींद पहले से अच्छी आएगी और सबसे अच्छी बात, एंग्जायटी और डिप्रेशन फीलिंग को भी रिड्यूस करेगी। तो एक्सरसाइज करने के ये बेनिफिट्स होते हैं। और फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें कि कभी कभी मैं बिजी होने की वजह से कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें ताकि मैं बाद में आपको रिप्लाई जरूर दे सकूँ। अब बात करते हैं कि ये समस्या किन किन शक्लों में सामने आती है। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियो आप कभी मिस न करें। और अब इस चीज पर भी ध्यान दें कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपने 20,000 की दवाई खाए, 10,000 की दवाई खाए, 5,000 की दवाई खाए, 1,000 की या 200 की। फर्क इससे पड़ता है कि जो दवाई आपने खाई है उस दवाई का कॉम्पोजिशन कैसा है, उसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां डली हुई हैं। और अगर आपसे कोई कहे कि ये एक आयुर्वेदिक दवाई है, थोड़ा टाइम तो लेगी ठीक होने में, 1 महीने 2 महीने, तो वो एक हद तक ठीक है। लेकिन अगर उस दवाई का असर आपको 10 से 15 दिन में नहीं दिखता तो उस दवाई को आप सालों भी खाएं तो भी उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ऐसी दवाइयों से आप बचें। और अब बात करते हैं कि खाने में क्या न खाएं। खाने में आप मसाले वाली चीजें बंद करें, अंडा, मुर्गा, मछली और किसी भी तरह के मीट बंद करें। बाजार की चीजें जैसे मोमोज, समोसा और पिज्जा, ये सब भी बिल्कुल बंद करें। तो ऐसे ही आपका इलाज चलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में आप ले सकते हैं मुल्कीज। इस दवाई को ऑर्डर करने के लिए आपको अपना नाम, फोन नंबर और अपना एड्रेस यानी पता पिन कोड के साथ देना होगा दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। लगभग 4 से 6 दिन में दवाई आपके दिए हुए एड्रेस पर आ जाएगी। इस दवाई का कोर्स 2 महीने का होता है। इस दवाई से आपको 10 दिन में फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।